प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंतर्गत ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए आप बहुत ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि बैक क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस हम किसे कहते हैं, पहले देखिए इसे जानने का प्रयास करते हैं। जब F1 जनरेशन के संकर का क्रॉस प्रभावी या अप्रभावी पैतृक से कराते हैं, तो ऐसे क्रॉस को बैक क्रॉस या संकर पूर्वज क्रॉस कहते हैं। इसका उद्देश्य संततियों के अनुवांशिक संगठनों का अध्ययन करना है। देखिए, बैक क्रॉस का सीधा सीधा मतलब अगर मैं आपसे कहूं, तो इसका तात्पर्य ये है कि यदि F1 जनरेशन के किसी हाइब्रिड का क्रॉस हम उसके किसी भी पैतृक से, किसी भी पेरेंट से कराएं, चाहे वो प्रभावी एलील्स वाला हो चाहे वो अप्रभावी एलील्स वाला हो, तो ऐसे क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहते हैं। इसमें अप्रभावी प्रभावी दोनों ही प्रकार के पैतृक के साथ F1 जनरेशन की पीढ़ी के संकर का क्रॉस कराया जा सकता है। इस क्रॉस को हम संकर पूर्वज क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है संततियों के अनुवांशिक संगठनों, उनके जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है उसका अध्ययन करना है। बैक क्रॉस जो है वह आपका दो प्रकार का होता है। नंबर एक, इसको हम कहते हैं प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस। जो बैक क्रॉस है, जैसे मैंने आपसे कहा, दो प्रकार का होता है, तो उसमें जो पहला क्रॉस होता है वो होता है प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस, या कहते हैं हम इसको डोमिनेंट बैक क्रॉस। इसको हम आउट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। डोमिनेंट बैक क्रॉस को हम आउट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। और जो दूसरा प्रकार का बैक क्रॉस है वो कहलाता है अप्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस, या इसको हम रिसेसिव बैक क्रॉस के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अप्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस को ही हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि बैक क्रॉस दो प्रकार के हैं, एक डोमिनेंट बैक क्रॉस जिसको हम आउट क्रॉस कहते हैं, और दूसरा है रिसेसिव बैक क्रॉस जिसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोमिनेंट बैक क्रॉस किसको कहते हैं। देखिए, जब F1 पीढ़ी के संकर का क्रॉस, जब F1 पीढ़ी के संकर जो हाइब्रिड संतति है उसका क्रॉस प्रभावी पैतृक से कराया जाता है, मतलब जो डोमिनेंट पेरेंट है उसके साथ कराते हैं, तो ऐसे क्रॉस को हम प्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो रही होगी आपकी कि F1 जनरेशन में जो हमें संतान प्राप्त हुई, यदि उसका क्रॉस हम ऐसे पेरेंट से कराते हैं जो कि डोमिनेंट एलिल्स वाला हो, डोमिनेंट करेक्टर वाला हो, तो ऐसे क्रॉस को हम प्रभावी संकर पूर्वज या डोमिनेंट बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। अब देखिए, डोमिनेंट बैक क्रॉस को जांचने के लिए हम यहां एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं। आपने एक पौधा लिया जिसमें वॉयलेट रंग के पुष्प खिलते हैं, और एक मटर का पौधा लिया जिसमें सफेद पुष्प खिलते हैं, और ये दोनों क्या है हमारे, ये पेरेंटल जनरेशन है। हमने इन दोनों के बीच में क्या कराना है, क्रॉस कराना है। और ये जो प्योर वायलेट है इसकी जो जीनोटाइप संरचना है वो क्या है, कैपिटल पी जो कि डोमिनेंट है, और प्योर वाइट के लिए जीनी संरचना क्या है, स्मॉल पी जो क्या है, रिसेसिव है। तो यहाँ एक डोमिनेंट पेरेंट का क्रॉस हमने एक रिसेसिव पेरेंट से कराया, तो स्वाभाविक सी बात है जो आपका डोमिनेंट है इससे दो गैमेट्स आपके बनेंगे जो दोनों बिल्कुल समान होंगे, और इसी प्रकार से प्योर वाइट से भी दो गैमेट बनेंगे जो बिल्कुल समान होंगे। और अब इन गैमेट्स के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन के अंतर्गत हमें चार प्रकार के पौधे मिलते हैं जो बिल्कुल कैसे हैं, समान हैं। अगर आप F1 जनरेशन में देखेंगे तो F1 जनरेशन में आपको ये चार प्रकार के संतानें मिलेंगी जिनका जीनोटाइप बिल्कुल क्या है, एक समान है, और ये कैसे हैं, वॉयलेट कलर के होंगे लेकिन हाइब्रिड होंगे, संकर होंगे, क्योंकि इसमें स्मॉल पी भी है और कैपिटल पी भी है, तो कैपिटल पी प्रभावी है इसलिए सबके सब बैंगनी फूल वाले होंगे, लेकिन कैसे होंगे, संकर होंगे। तो F1 जनरेशन में हमें ये चार पौधे मिले जिनकी जीनोटाइप और फिनोटाइप संरचना क्या है, बिल्कुल एक जैसी है। ये सबके सब कैसे हैं, वॉयलेट हैं, और इनका जीनोटाइप भी क्या है, बिल्कुल एक जैसा है। अब हम क्या करेंगे
ये जो F1 जनरेशन की संतान है इसका क्रॉस डोमिनेंट बैक क्रॉस के अंतर्गत हम किससे कराते हैं, प्रभावी लक्षण वाले पैतृक से, यानी कैपिटल पी से। अब हमने क्या किया, F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड वॉयलेट पौधा था जिसकी जीनी संरचना कैपिटल पी स्मॉल पी थी, इसका क्रॉस हमने किससे कराया, डोमिनेंट पेरेंट से कराया जिसकी जीनोटाइप संरचना क्या है, कैपिटल पी। अब आप जानते हैं कि ये F1 जनरेशन का जो हाइब्रिड है इससे दो प्रकार के आपको गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल पी स्मॉल पी, और जो डोमिनेंट पेरेंट है इससे भी दो गैमेट्स बनेंगे जो बिल्कुल एक जैसे होंगे, कैपिटल पी और कैपिटल पी। अब इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो ये पुनेट स्क्वायर चार्ट के माध्यम से मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, ये जो डोमिनेंट पेरेंट है इससे जो आपके गैमेट्स बने हमने यहां लिख दिए, और जो आपका F1 जनरेशन का हाइब्रिड पौधा है इससे जो गैमेट बने वो हमने यहां पे लिख दिए। और अब जब हमने क्रॉस कराया तो कैपिटल पी के साथ क्रॉस होने पर ये संरचना बनी, दूसरी ये संतान बनी, तीसरी इस प्रकार की संतान और चौथी इस प्रकार की संतान बनी। तो ये चार प्रकार की संतानें बनने की संभावना है। अगर आप पहले संतान को देखें तो ये बैंगनी फूल वाली होगी, दूसरी संतान भी बैंगनी फूल वाली होगी, तीसरी संतान भी बैंगनी फूल वाली होगी, और चौथी संतान भी बैंगनी फूल वाली होगी, क्योंकि यहाँ इन दोनों संतानों में कैपिटल पी किस अवस्था में है, होमोजाइगस अवस्था में है, तो ये वॉयलेट हैं। और ये जो नीचे जो दो संतान हैं इनमें है तो हाइब्रिड संकर, लेकिन इसमें कैपिटल पी प्रभावी होने के कारण से ये संतानें भी कैसी होंगी आपकी, वॉयलेट या बैंगनी पुष्प वाली होंगी। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आप पाएंगे कि F2 जनरेशन में जो संतानें बनी वो सब की सब कैसी हैं, वॉयलेट हैं। 100% संतानें फिनोटिपिकली अगर बाहर से आप देखें तो कैसी हैं, वॉयलेट पुष्प वाली हैं। और अगर हम इसका जीनोटाइप रेशो देखें तो आप ये पाएंगे कि दो संतानें कैसी बनी, कैपिटल पी कैपिटल वाली जो कि प्योर वॉयलेट है, और दो संतानें कैसी बनी, कैपिटल पी स्मॉल पी वाली जो कि हाइब्रिड वॉयलेट है। तो यहां पे जो जीनोटाइप रेशो है वो कितना है, 1:1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब F1 जनरेशन के संतति का क्रॉस हम डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं तो फिनोटाइप रेशो में क्या होता है, सबके सब पौधे कैसे मिलते हैं, एक जैसे मिलते हैं, सबके सब वॉयलेट कलर के होते हैं पुष्प वाले। और जीनोटाइप जो रेशो मिलता है वो कितना मिलता है हमारा, 1:1, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के बैकक्रॉस की। और दूसरा प्रकार का बैकक्रॉस मैंने आपको क्या बताया था, रिसेसिव बैकक्रॉस, जिसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझिएगा। देखिए, जब F1 पीढ़ी के संकर का क्रॉस अप्रभावी पैतृक से कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को अप्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस या परीक्षणार्थ क्रॉस कहते हैं। तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि F1 जनरेशन की जो हाइब्रिड पौधे हैं, हाइब्रिड संतान है, उसका क्रॉस अगर हम अप्रभावी पैतृक से कराते हैं, रिसेसिव पैतृक से, ऐसा पैतृक जिसमें किसी लक्षण के अप्रभावी एलील मौजूद हैं, तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं अप्रभावी संकर पूर्वज क्रॉस या रिसेसिव बैक क्रॉस, या इसका दूसरा नाम क्या है, टेस्ट क्रॉस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम परीक्षणार्थ क्रॉस। अब इसको हम रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने क्या किया, एक प्योर वायलेट पुष्प वाला पौधा लिया और इसका क्रॉस हमने कराया एक प्योर वाइट से। ये दोनों क्या है, पेरेंटल जनरेशन है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्योर वायलेट का जीनी संरचना क्या होगी, कैपिटल पी, और प्योर वाइट की क्या होगी, स्मॉल पी। और इनसे जो गैमेट बनेंगे प्योर वॉयलेट से, कैपिटल पी बनेंगे, दोनों एक जैसे होंगे, और प्योर वाइट से जो गैमेट बनेंगे वो क्या होंगे, स्मॉल पी, दोनों एक जैसे होंगे। अब हमने इन गैमेट्स के बीच में जब क्रॉस कराया तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि आपके चार प्रकार की संतानें मिलेंगी, संभावना है चार प्रकार की संतानें मिलने की। और ये चारों जो संतानें मिली F1 जनरेशन में, ये सब की सब अगर आप देखें तो कैसी होंगी, सब की सब वॉयलेट कलर की होंगी F1 जनरेशन में। ठीक है, और इनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल पी स्मॉल पी। अब ये F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव बैक क्रॉस के अंतर्गत हमें किससे कराना है, हम ये पेरेंट कैसा है आपका, ये प्रभावी पेरेंट है, और ये कैसा पेरेंट है, अप्रभावी। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि रिसेसिव बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं, ये F1 जनरेशन का क्रॉस हम किससे कराते हैं, अप्रभावी से कराते हैं, ये प्योर वाइट, ये अप्रभावी लक्षण वाला जो पैतृक है इससे कराते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए, F1 जनरेशन में जो हमें हाइब्रिड वॉयलेट मिला, हमने उसका क्रॉस किससे कराया, रिसेसिव पेरेंट से कराया, जिसमें वाइट रंग के पुष्प हैं। तो प्योर वॉयलेट
का तो आपको पता है कि कैपिटल बी कैपिटल पी होता है। अब यहाँ पे F1 जनरेशन का जो संतान है वो कैसी है, हाइब्रिड वॉलेट है, जिसकी जीनी संरचना क्या है, कैपिटल पी स्मॉल पी। और पौधा पेरेंट जो हमने लिया वो क्या लिया है, रिसेसिव सफेद रंग का, तो उसकी जीनी संरचना क्या होगी, स्मॉल पी स्मॉल पी। तो ये जो क्रॉस है F1 जनरेशन के हाइब्रिड का क्रॉस हमने किससे कराया, अप्रभावी लक्षण वाले पैतृक से कराया, इसी को हम क्या कहते हैं, रिसेसिव बैक क्रॉस। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है, क्या जीनी जीनोटाइप रेशियो मिलता है हमको F2 जनरेशन में, इसको हमको देखना है। तो देखिए ये जो F1 जनरेशन का हाइब्रिड है इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल पी एक स्मॉल पी। ये जो रिसेसिव पेरेंट है इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, स्मॉल पी दोनों एक जैसे हैं, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। अब F2 जनरेशन पाने के लिए हमने इन गैमेट्स के बीच में क्रॉस कराया, तो पुनेट स्क्वायर चार्ट के माध्यम से हम कराएंगे। ये जो रिसेसिव पेरेंट्स है इसके युग्मकों को हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये जो हाइब्रिड है F1 जनरेशन का इसके युग्मक को हमने इस साइड लिख दिया। और अब इसके बीच में क्रॉस होने पर पहली संतान क्या मिलेगी हमको, कैपिटल पी स्मॉल पी, दूसरी क्या मिलेगी, कैपिटल पी स्मॉल पी, तीसरी क्या मिलेगी, स्मॉल पी, और चौथी क्या मिलेगी, स्मॉल पी स्मॉल पी। अब अगर इसको आप इसका आप फिनोटाइप देखेंगे तो पहला जो संतान है वो किस कलर के पुष्प देगी, वॉयलेट, क्योंकि कैपिटल पी है। दूसरी संतान भी वॉयलेट क्योंकि कैपिटल पी है। तीसरी संतान क्या देगी, व्हाइट, क्योंकि दोनों क्या है, स्मॉल पी। और चौथी संतान जो होगी वो भी क्या देगी, व्हाइट, क्योंकि स्मॉल पी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो F2 जनरेशन का फिनोटाइप अगर आप देखें तो यहाँ पे 100% पौधे वॉयलेट पुष्प वाले प्राप्त नहीं हुए, जैसा कि डोमिनेंट बैक क्रॉस में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, डोमिनेंट बैक क्रॉस में जब आपने फिनोटाइप टिपिकली इन पौधों को देखा था, संतानों को F2 जनरेशन की, तो सभी के सभी कैसे मिले थे, वॉयलेट मिले थे। लेकिन यहाँ पे फिनोटिपिकली अगर आप देख रहे हैं, फिनोटाइप देख रहे हैं इसका, तो आप देख रहे हैं कि 50% संतानें जो कि कैसी प्राप्त हुई आपको, वॉयलेट पुष्प वाली, और 50% संतानें कैसे प्राप्त हुई आपको, सफेद पुष्प वाली। तो इनका जो फिनोटाइप रेशियो प्राप्त हुआ वो 1:1 प्राप्त हुआ, जबकि डोमिनेंट बैक क्रॉस में ये सबकी सब संतानें 100% संतानें कैसी थी, वॉयलेट पुष्प वाली। तो ये अंतर आपको समझना है। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप रेशियो की। तो देखिए कैपिटल पी स्मॉल पी जीनोटाइप आपका दो संतानें हुई, और स्मॉल पी वाली कितनी हुई, दो। तो यहां पे जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:1। अब यहां पे आप देखिएगा कि रिसेसिव बैक क्रॉस में आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों रेशियो कैसे हैं, एक समान है, 1:1। लेकिन डोमिनेंट बैक क्रॉस की जब मैंने आपको बताया था तो आपने उसमें देखा होगा कि फिनोटिपिकली सारे पौधे एक जैसे थे, लेकिन जीनोटाइप रेशियो वहां पे भी क्या पाया गया था, 1:1। तो ये हमको ध्यान रखना है कि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों बैक क्रॉसों में जो अनुपात है वो क्या है। अब देखिए टेस्ट क्रॉस का जो उपयोग है वो जनरली हम किसी संतति का जीनोटाइप जांचने के लिए कर सकते हैं। नाम ही आप देख रहे हैं टेस्ट क्रॉस, टेस्ट करना। तो अगर किसी संतति का आपको जीनोटाइप प्राप्त नहीं है तो हम टेस्ट क्रॉस के माध्यम से उस संतति का जीनोटाइप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए ये कोई पौधा है जो लंबे तने वाला है, लंबा है। तो अब लंबा है तो स्वाभाविक सी बात है इसका हमको जीनोटाइप प्राप्त नहीं है, इस लंबे पौधे का जीनोटाइप हमको प्राप्त नहीं है। लेकिन हमको इतना पता है कि अगर ये लंबा है तो इसका जीनोटाइप दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी होगा, मतलब कैपिटल टी इसलिए है क्योंकि ये क्या है, ये लंबा है, और कैपिटल टी किसका एलील है, लंबाई का। और इसका जो विपरीत लक्षण है वो क्या है, बौना, जिसका एलील क्या होता है, स्मॉल टी। तो ये जो लंबा पौधा है इसके जीनी संरचना दो प्रकार की हो सकती है, या तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमें पता है कि पौधा लंबा है तो इसकी जीनी संरचना या तो कैपिटल टी कैपिटल होगी या कैपिटल टी स्मॉल टी होगी। हमने क्या किया, ये कंफर्म करने के लिए कि इस पौधे की जीनी संरचना क्या है, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, हमने इस संतान का क्रॉस कराया किससे, अप्रभावी लक्षण वाले पैतृक से, जिसकी जीनी संरचना क्या होती है, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या होगा, डार्फ होगा। तो अब आप क्रॉस करा के देखिए, अगर इस पौधे की जीनी संरचना कैपिटल टी है तो क्या होगा, इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी। और जब इसका क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे तो रिसेसिव पेरेंट में कौन से युग्मक होंगे, स्मॉल टी। और इस प्रकार से चार संतानें आपको F2 जनरेशन में मिलेंगी। ये सबकी सब कैसी हैं देखने में, फिनोटिपिकली कैसी हैं देखने में, एक जैसी हैं। 100% पौधे जो F2 जनरेशन में प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, टॉल होंगे। लेकिन अगर इस अननोन जीनोटाइप वाले पौधे का जीनोटाइप हम कैपिटल टी स्मॉल टी मान लेते हैं,
तो इससे कितने युग्मक बनेंगे, दो प्रकार के, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस जब हम रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे तो उसमें जो युग्मक होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आप देखेंगे कि ये चार प्रकार की संतानें बनेंगी, जिसमें फिनोटिपिकली अगर आप देखेंगे, फिनोटाइप से देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि 50% संतानें कैसी हैं, लंबी हैं, और 50% संतानें कैसी हैं, डार्फ हैं। तो अब आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि ये जो पौधा है जिसका जीनोटाइप आपको ज्ञात नहीं है, अगर इसका क्रॉस आप रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं और F2 जनरेशन में, कौन सी जनरेशन में, F2 जनरेशन में आपके सारे पौधे इस क्रॉस के बाद लंबे प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब इस पौधे का जीनोटाइप क्या है आपका, कैपिटल कैपिटल टी है, यही तो हुआ। और अगर F2 जनरेशन में, अगर F2 जनरेशन में आपके 50% पौधे लंबे और 50% पौधे बौने प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पौधा है इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यही टेस्ट क्रॉस है जहां पे हम एक अननोन जीनोटाइप वाले पौधे का क्रॉस उसके अप्रभावी पैतृक से कराकर अननोन जीनोटाइप वाले पौधे की जीनी संरचना को हम ज्ञात कर सकते हैं, इस आधार पर कि F2 जनरेशन में हमें किस प्रकार के पौधे मिलते हैं। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको याद रखना है कि देखिए सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हैं, सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हैं, परंतु सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। कंपटीशन की दृष्टि से इस लाइन को आपको ध्यान देना है कि सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हैं, क्योंकि आप जानते हैं टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस भी एक बैक क्रॉस ही तो है। बैक क्रॉस मैंने आपसे बताया था कि अगर F1 जनरेशन की संतति क्रॉस उसके पेरेंट से कराएं, चाहे वो प्रभावी हो चाहे वो अप्रभावी हो, वो बैक क्रॉस है। और टेस्ट क्रॉस में क्या था कि F1 जनरेशन की संतान का क्रॉस हम किसे कराते हैं, अप्रभावी से, तो अप्रभावी से कराना भी तो क्या है, बैक क्रॉस ही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि टेस्ट क्रॉस जो होता है वो बैक क्रॉस होता है, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते, क्योंकि बैक क्रॉस के अंतर तो प्रभावी पैतृक से भी क्रॉस होता है, और जब हम प्रभावी से कराएंगे तो वो टेस्ट क्रॉस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस ही कहलाएगा। तो ये आपको लाइन याद रखनी है कि सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, परंतु सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस के बारे में बताने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।